दाढ़ी को अच्छे से जमाने के लिए या फिर अच्छे से उगाने के लिए घर पे सेविंग करना सही होता है या फिर सलून पे सेविंग कराना सही होता है, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। हाय गाइस, आई एम अनिल, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये टॉपिक हर उस इंसान के लिए होने वाला है जो दाढ़ी की ग्रोथ करना चाहता है, लेकिन सबसे मेन बात क्या होती है कि दाढ़ी की सेविंग कैसे कराई जाए जिससे कि आपकी दाढ़ी जल्दी ग्रोथ हो और जल्दी से वो जमे जैसी आप चाहते हो, जैसी आप उसको स्टाइल देना चाहते हो, लुकिंग दिखाना चाहते हो, वैसी आप अगर जमाना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, अगर आप जल्दी दाढ़ी उगाना चाहते हो तो सेविंग करना बेस्ट ऑप्शन होता है, चाहे आप सलून पर कराएं चाहे आप आपके घर पर करें। अगर आप जितनी जल्दी दाढ़ी काटते हो उतनी जल्दी आपकी दाढ़ी की ग्रोथ होने लग जाती है, लेकिन अगर आप दाढ़ी को जमाना चाहते हो, जैसे कि अभी जो मेरी दाढ़ी है, अगर आप इस टाइप की दाढ़ी उगाना चाहते हो फिर ग्रोथ करना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको सलून पे सेविंग करने के जो नुकसान होते हैं वो आपको बताने वाला हूँ, फ़ायदे भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप सलून पे सेविंग कराते हैं, दाढ़ी की सेविंग कराते हैं, तो उससे क्या होता है, जो फंगल वगैरह जो होता है, जैसे कि आपको दांत खाद खुजली की परेशानियाँ भी हो सकती है, प्रॉब्लम्स हो सकती है, मेरे हो चुकी है, उसके वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि वो बहुत से लोगों की सेविंग करते हैं तो किसी की स्किन में कुछ हो रहा है, किसी की स्किन में कुछ हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं आपके लग सकता है, तो वो प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा देखने को आई होगी। अगर आपने भी ऐसा करा और आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। सेकेंड प्रॉब्लम्स ये होती है कि आप जिस जिलेट गार्ड से या फिर जिस रुंदे से आप सेविंग करवाते हो सकता है वो पुराना हो या फिर वो सेकेंड बार यूज़ कर रहा हो, यानी पहले किसी और पर यूज़ कर लिया, सेकेंड बार आप पे यूज़ कर रहा है, जिसके बाद से आपको नुकसान बहुत ज़्यादा उठाने पड़ सकते हैं। थर्ड, जो फेस क्रीम्स वो यूज़ करते हैं, जो पहले तो वो सेविंग क्रीम यूज़ करते हो, सेविंग क्रीम का भी पता नहीं होता है वो किस टाइप की क्रीम है या फिर वो ज़्यादा सस्ती है, कैसी है, वो भी आपको नुकसान पहुँचा सकती है। इसके बाद जो सेविंग करने के बाद जो आपके फेस पर मसाज वगैरह करते हैं, जिन क्रीम लगा के, यानी जो भी क्रीम्स लगाते हैं, तो वो क्रीम्स आपको ज़रूर से नुकसान पहुँचाती है। आपका फेस वो भले ही सेविंग करने के बाद काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर देता है, गोरा कर देता है, ग्लो आपका फेस पर आ जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं नुकसान काफ़ी ज़्यादा आपको उठाने पड़ सकते हैं। लेकिन इससे ये फ़ायदा आपको होता है कि आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप सलून पर जाते हो, 2-5-10 मिनट में वो आपकी पूरी सेविंग काट देता है, इसके बाद आप फ्री हो जाते हो। तो आप जो घर पर सेविंग करते हो उसके आपको फ़ायदे ही फायदे देखने को मिलते हैं। एक तो आपको जो प्रॉब्लम्स लगती, जो कि फंगल इन्फेक्शन वगैरह जो भी कुछ लगता है, उससे आपको छुटकारा मिल जाता है। सेकेंड, आपके घर पर ओनली एक जिलेट गार्ड से, ओनली एक जिलेट गार्ड से आप एक बार सेविंग करके आपके फेस को गोरा भी कर सकते हैं, फेस को आप जैसे चाहे वैसे आपके फेस को लुक दे सकते हैं। और खास बात ये होती है कि आप पूरी तरह से आपके बालों को काट सकते हो। आपने जैसे सलून पे बाल कटाए तो कहीं कहीं रह जाते हैं, आप घर पर दोबारा देख के भी काट सकते हो। तो मेरा सजेशन आपको ये है कि अगर आप अभी कम एज है आपके और आप दाढ़ी उगाना चाहते हो तो आप घर पर ही सेविंग करें और घर पर ही सेविंग करना सीखें। मैं भी हमेशा घर पर ही सेविंग करता हूँ, मैंने स्टार्टिंग में सेविंग करवा के देख रखी है तो बहुत सारे मुझे नुकसान देखने को मिले, और ख़ास करके वो दाढ़ी ठीक तरह से जमती भी नहीं है, वो अलग टाइप से दाढ़ी की सेविंग करते हैं, और जो आप घर पर जिलेट गार्ड से सेव करते हो वो थोड़ी अलग होती है। आपको एक अच्छी सेविंग क्रीम का यूज़ करना चाहिए। अगर आप सेविंग क्रीम यूज़ नहीं करना चाहते हो तो आप अच्छा फेस वॉश यूज़ कर सकते हो, फिर आप सोप यूज़ कर सकते हो, साबुन, जिससे कि आपके दाढ़ी के बाल सॉफ्ट हो जाए, फिर आप उसको स्मूथली काट सकते हो। 15 दिन में आपको एक बार सेविंग करनी है, जब तक कि आपकी दाढ़ी आपको जमी हुई ना दिख जाए या फिर आपको काली घनी मोटी दाढ़ी प्रॉपर ना दिख जाए, तब तक आपको सेविंग करना है। तो घर पर सेविंग करने के मैं आपको फ़ायदा बताता हूँ। एक तो आपके पैसे बचते हैं, सेकंड आप आपके अकॉर्डिंग सेविंग कर सकते हो, लेकिन आपको केयरफुली सेविंग करना है। अगर आपको सेविंग करना नहीं आए तो पहले आप सीखे, बाद में सेविंग करें। सेविंग करने से आप कट भी सकते हो, आपके फेस को नुकसान भी पहुंचा सकते हो, तो वो आपको सीखना पड़ेगी। आप 4-5 बार सीखे या फिर आप किसी से देख के, कहीं पे देख के आप सीख सकते हैं। पहला आप पैसे बचा सकते हो, दूसरा आप आपकी सेविंग अच्छे से कर सकते हो। जितना ज़्यादा आप शैम्पू सॉफ्ट फेस वॉश लगाए उतनी जल्दी आपके जो दाढ़ी के बाल सॉफ्ट होंगे, उतने अच्छे स्मूथली कटेंगे। फिर जो नेक्स्ट होता है वो होता है आप आपकी दाढ़ी की शेप कैसी भी दे सकते हो। जो आप सलून पर जाते हो आप उनको बताते हो लेकिन वो उनके अकॉर्डिंग शेप देता है, लेकिन आप चाहो आपके अकॉर्डिंग शेप ले सकते हो। आपकी दाढ़ी को कैसे स्टाइल दे सकते हो वो आपके अकॉर्डिंग होता है। तो ये क्वेश्चंस मुझे थोड़ा अच्छा लगा। अगर आप भी ऐसे क्वेश्चंस मुझसे शेयर करना चाहते हो और आपको ऐसा लगता है कि इस पर वीडियो बनाना चाहिए तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो ये टॉपिक आपको कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा और आपको क्या क्या इससे सीखने को मिला मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। लेकिन मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, मैं सलून पे सेविंग नहीं कराता, मैं घर पर ही सेविंग करता हूँ।
और आपको रिजल्ट आपके सामने दिख रहा है, बियर्ड ऑयल्स यूज करना वो अलग बात होती है, ट्रीटमेंट करना, बट सेविंग की बात है तो आप घर पर ही सेविंग करें। इससे आपको बहुत सारे फायदे देखने को मिलेंगे और आपको एक्सपीरियंस भी होगा आपकी दाढ़ी को काटने का, आपकी दाढ़ी की सेविंग करने का, और फिर आप मुझे फॉलो करेंगे। और आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो, सी यू अगेन।